आज का भी लोग होने वाला है बहुत ही खास क्योंकि मैं आपके साथ शेयर करूंगी चिकन स्टेक विद वाइट चीज़ी सॉस एंड वेजेस एंड मिश पोटैटो हाथ दिन होगी वैसे जुबान ही फिसल गई है इसके पीछे एक फनी स्टोरी है वो ये कि हम ये लाला मूसा रिसेंटली वहाँ पे अली ने खा लिया चिकन स्टेक फर्स्ट टाइम मैंने भी फर्स्ट टाइम ट्राई किया था अब हम जब लाहौर आए तो अली ने कहा हम चिकन स्टेक खाने जाएंगे बस यही सोच कर हम एक अच्छी जगह चले गए हवेली रेस्टोरेंट के हमें एक अच्छी स्टेक खाने को मिलेगी बट बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी और क्वांटिटी इतनी कम थी प्राइस के लिहाज से ट्वेंटी वन हंड्रेड की खाली स्टेक थी खाने के पैसे लग से देने पड़े उसके बाद ही हम गए स्टेक अवे पे अली ने कहा कुछ दिन के बाद हम फिर स्टेक अवे की स्टेक ट्राई करने गए। जो के जो कि हमने बीफ स्टेक ली थी और उसके साथ ये कुछ सॉसेज थी इसका तो रिव्यू मैं आपको किसी से अलग वीडियो में दूँगी अभी हम आते हैं आज के टॉपिक की तरह फिर बस इन सब स्टेक्स से तंग आकर अली ने सोचा कि खुद ही घर पर स्टेक बना लेते हैं तो अली ने ये जो है ना मैंने और अली ने मिल घर पर यह चिकन स्टेक बनाई तो जी अगेन वेलकम वीडियो तो जी आज के भी लोग का आगाज़ हमने भी कुछ थोड़ा सा हटके के किया डेली भी लॉगिंग मैंने कहा था आपके साथ शेयर करूँगी तो उसकी प्रैक्टिस थोड़ी सी कर रही थी यहाँ पे जी हमने अपनी सुबह का आगाज़ किया और फिर जो है ना जो हमारी डेली रूटीन के काम होते हैं मॉर्निंग के वो मैंने कर लिए उसके बाद जी मैंने प्रिपेयर किया बहुत ही मज़े का नाश्ता तो जी हमने यहाँ पर नाश्ता वगैरह की और उसके बाद जी हम आ गए थे किचन में यहाँ पे मैंने हरम के लिए खाना वगैरह बना दिया हुआ था दो डिशेज उसकी बनती है डेली और यहाँ पे इसका पानी बॉईल हो गया हुआ था सेकंड जो है उसका मैंने जो है ना ये सारा क्लीन कर दिया और बर्तन वगैरह तंट सारे वॉश कर दिया आपकी बहनें देखें टन 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 ये सारे बर्तन वॉश और सारा किचन नीट और क्योंकि अली ने करनी थी स्पाइस क्लीन को ये सब नीट चाहिए होता है और सारी चीज़ें प्रिपेयर चाहिए होती हैं चलिए अब हम करते हैं अपने स्टेक बनाने की तरफ मूव ऑन तो जिस स्टेक हम काफ़ी दिन पहले ही बना लेते लेकिन ये इस बिला की वजह से हम जो है ना स्टेक नहीं बना रहे थे, थे इसके बिना तो भाई स्टेक बन नहीं सकती खैर वो ये जाके ना ये देखें सिक्सटीन हंड्रेड आई थिंक सो समथिंग था इतने का ये लेके आए थे आ, ये पैन ग्रिल पैन ठीक है इसको हम वॉश करते हैं और फिर अब चले मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ किस तरह से ये चिकन स्टेक बनाए है? अब आ जाए वो लोग जिनको लगी है बहुत ज्यादा भूख क्योंकि अब हम बनाने जा रहे हैं चिकन स्टेक ठीक है सबसे पहले आपने चिकन को ले लेना होता है इस तरह से कट लगा लेने होते हैं और बोनलेस चिकन चाहिए होता है इसके लिए ब्रिक ब्रिक स्ट्रिप्स काट की जाती हैं लेकिन अली ने जजबाती के ज़्यादा एक मोटे मोटे बड़े बड़े पीसेस काट दिए हैं है और उसके बाद जी आप लोगों ने इसको शिफ्ट कर लेना है एक डिप पैन में इस तरह से और हल्का हल्का जो है ना इसको विनीगर लगा देना है उसके बाद जी आपने क्या करना है ये स्पाइसिस ले लेने हैं जिसमें चिली फ्लेक्स चाइनीज़ सॉल्ट सादा वाला सॉल्ट ब्लैक पेपर अदरक लहसुन मिर्च हरी मिर्च को हुई क्रीम और सूखा धनिया ठीक है इन सब चीज़ों को आपने ऐड कर देना है इसमें और आप ये देख सकते हैं क्वांटिटी आप अपने मतलब के टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लें अगर आप ज़्यादा स्पाइस पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा स्पाइसेस ऐड कर लें अगर आप कम स्पाइस पसंद करते हैं तो कम स्पाइसेस ऐड कर लें उसके बाद ये और ये जा रहा है मस्टर्ड पेस्ट मस्टर्ड पेस्ट के साथ हादसा हो गया था और ये पूरी जो है ना बॉटल नीचे गिर के टूट गई थी ये बचा सके थे हम खैर उसमें जो है ना हमने ये ऐड कर दिया उसके बाद इसमें जाएगा आप विनीगर विनीगर हमने ऑलरेडी चिकन को भी लगाया इसलिए हम विनीगर इसमें थोड़ा ही ऐड करेंगे उसके बाद ये जाएगा ये ब्लैक ब्लैक वाला सॉस ठीक है सोया सॉस ठीक है उसके बाद इसमें हम सोया सॉस ऐड कर रहे हैं सोया सॉस ऐड करने के बाद आपने इसमें ऐड कर देना है चिली सॉस इन तीनों क्वांटिटी सेम रख लें और जो है आप देख सकते हैं अंदाज़ा तो वही गया होगा उसके बाद जो है ना अली ने इसको बहुत अच्छे तरीके से मैरिनेट किया था और बहुत अच्छे तरीके से मिक्सअप किया था आपने भी इस चीज़ का ख्याल रखना जितना अच्छा से आप इसको मिक्सअप करेंगे उतना ही टेस्ट इनहेंस होगा और आपने इसको मिक्स करके टू आवर्स के लिए फ्रिज में ज़रूर स्टे देना है जब आप इसको इसलिए सबसे पहले आप चिकन को मैरिनेट करके रख दें चिकन को मैरिनेट करके रख दिया दो घंटे के लिए फ्रिज में उसके बाद आपने क्या कर दिया यहाँ पे जिमूवन किया है स्टेप टू की तरफ जिसमें हम करेंगे इसकी वेजेस रेडी सबसे पहले विनीगर ले लिया हमने एक पैन में और हम उसमें ऐड कर देंगे जितनी भी आपकी कैरेट्स कटिंग की हुए और कटिंग्स आप देख सकते हैं मोटी मोटी और लंबी लंबी आपने काटनी है ठीक है इस तरीके से और हमने इसके साथ थोड़े से कॉलीफ्लावर के जो छोटे छोटे इस तरह से पीसीज ऐड कर दिए अब हम इसको पकने के लिए रख देंगे क्योंकि गाजर जो है वो जल्दी गलती नहीं है बाकी जो है ना हम जब गाजर गल गई तो उसको बाकी सब जो में मतलब मिक्स कर दिया डाल के उसके अंदर फिर हमने ये चीज़ें डाल दी ब्लैक पेपर चिली सॉस सोया सॉस और ये कैचअप टोमेटो कैचअ गार्लिक ठीक है जी उसके बाद जब इसको दो मिनट के लिए पकाया और उसमें हमने फिर ऐड कर दिया बटर अब यहाँ पे आपने बटर ऐड करने के बाद क्या करना है इन वेजेस को इसमें शिफ्ट कर देना है और दो मिनट के लिए फ्राई करना है वेजिटेबल आपकी पक्की हुई नहीं होनी चाहिए क्योंकि इसके साथ वेजेस जो होती हैं वो क्वार्टड पक्की होती है मीनस के इतनी ज़्यादा नहीं पक्की होती कच्ची कच्ची वेजेस ही अच्छी लगती है ये हमारी हो गई रेडी उसके बाद जी हम रेडी कर लेते हैं मैश पोटैटो मैश पोटैटो रेडी करने के लिए हम क्या करेंगे आलुओं को बॉयल कर लेंगे अच्छा बॉयल पोटैटो और मैश पोटैटो में डिफरेंट होता है ये मैं आपके साथ कॉन्सेप्ट क्लियर करती हूँ बॉयल पोटैटो होते हैं ना वो हम छिलकों समेत उसको बॉयल कर लेते हैं हैं वो ज़्यादा मतलब नॉर्मल बॉइल्ड हो जाते हैं लेकिन जो मैश पोटैटो होते हैं उसके लिए छिलके उतारे जाते हैं आलू को धोया जाता है और इतना ज़्यादा उसको किया जाता है इतना ज़्यादा बॉयल किया जाता है कि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं तो ये होते हैं जी मैश पोटैटो तो अब आपका कंसेप्ट क्लियर है इसमें मैंने चिकन ऐड करके इसको जो है ना बिल्कुल मैश कर लिया है वैसे तो ये स्टेक अली बना रहे हैं लेकिन इसके साथ मैं अभी कुछ ना कुछ काम में लगी हुई हूँ तो ये मैंने कहा जो बाकी जो साइड चीज़ें हैं ना वो मैं बनाती हूँ तो यहाँ पे हमने क्या किया कि इस तरह से मैश पोटैटो में काली मिर्च और नमक ऐड किया और चिकन था ऑलरेडी तो हमने इसको जो है ना इस तरह से बड़े से आलू साइज का राउंड करके तो हमने इस तरीके से इसको डेकोरेट करके साइड पर रख देना अब हम आ जाते हैं अपने चिकन की तरफ चिकन हमारा मैरिनेट हुए तो टू आवर्स हो चुके थे अब हमने इसको क्या किया है स्टीम के लिए रख दिया है चिकन को हल्की आंच पे स्टीम के लिए रखने के बाद हम रेडी करेंगे वाइट सॉस यहाँ पे अली ने लिए हैं जी मशरूम्स मशरूम्स को इन्होंने जो है वो बटर डाल के हल्का सा गोल्डन ब्राउन कर लिया है गोल्डन ब्राउन करने पर इसकी लुक इस तरह से आएगी मशरूम्स आप बहुत ज़्यादा ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं बट मैंने इतने ही ऐड किया कि मशरूम्स वगैरह मुझे इतने ज़्यादा कोई पसंद नहीं है उसके बाद जी एलो प्रोग्राम त्योर गया तो यहाँ पे अली जो है ना वो अदरक लहसुन का पेस्ट बटर में अगेन से थोड़ा सा रोस्टेड कर रहे हैं और उसके बाद जो है ना ये जब थोड़ा सा गोल्डन सा हो जाएगा अली तो टिडू तो इग्नोर कर देना बाकी जब ये रोस्टेड हो जाएगा तो उसमें हमने जो है ना ये एक साइड पे दूध रखा हुआ है ठीक है यहाँ पे हमारा दूध भी बॉयल्ट हो चुका है और यहाँ पे ये भी और उसके बाद फिर क्या किया है कॉर्नफ्लॉर ले कर ना मैदा या कॉर्नफ्लोर ले लें इन दोनों में से कोई भी चीज़ वैसे मैदा ज़्यादा सही है ठीक है तो मैदा ले कर ना आपने उसको इस तरह से रोस्ट कर लेना है उसी अदरक लहसुन के पेस्ट में देन आपने इसको ऐड कर देना है मिल्क में ये जो हमने एक साइड पर बॉयल मिल्क रखा हुआ है उसमें फिर आपने इसको कर लेना है ग्रैंड जब ग्राइंड करेंगे तो ये बिल्कुल एक स्मूथी सी है आप देख सकते हैं अभी इसको ग्राइंड नहीं किया यहाँ पे ये थोड़ा सा पकाने के बाद आपने इसको ग्राइंड करना है तो आप देखेंगे बिल्कुल ये स्मूथी क्रीमी सा टेक्सचर आपके सामने आ जाएगा उसके बाद आपने जो क्रीम बची हुई थी वो ऐड कर देनी है पूरा पैक इसमें जाएगा ऑल्पर्स क्रीम का और उसको आपने मुसलसल जो है आ, मिक्स करते रहना है ताकि किसी भी तरह की कोई हार्शनेस ना आए इसमें बिल्कुल हमें स्मूथ वाइट सॉस बनाना है उसके बाद ही अली ने इसमें ऐड किया ब्लैक पेपर और इसकी क्वांटिटी भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं ठीक है इसमें फिर जाएगा साल्ट एंड चाइनीज साल्ट ये सब चीज़ें यानी कि ये तीन स्पाइसेस ही इसमें ऐड होंगे और उसको आपने से बहुत अच्छे तरीके से है, है? मैंने इसके बाद ये क्रीम चीज़ ये आपको किसी भी सुपर स्टार से मिल जाएगी फिर आपने देने हैं आपने मशरूम्स मशरूम्स को आप स्क भी कर सकते हैं और जो है ना इसके जगह ऑलिज़ कर सकते हैं व्हाइट सॉस पर ऑलिव मुझे ज्यादा वैसे पसंद है वो बहुत अच्छा एक टेस्ट देते हैं देन आपने क्या करना है पिज़्जा सॉस सॉरी पिज़्जा सॉस नहीं ये पिज़्ज़ा चीज़ लेनी है और वो ऐड कर देनी है उसके बाद ये आपने इसको जो है ना दो मिनट के लिए रख देना ये सारी मेल्ट हो जाएगी ठीक है पिज़्ज़ा चीज़ देख सकते हैं कौन सी मैं यूज़ करी मेल्ट होने के बाद इसका टेक्सचर कुछ इस तरह से होगा इतना ज्यादा स्मूथ इतना ज़्यादा क्रीमी और इतना ज़्यादा चीज़ी ओह माय गॉड इतना ज़बरदस्त ये बनाया ना मतलब कि मैं तो इसकी फैन हो गई हूँ तो जी यहाँ पे अली को कम लग रही थी उन्होंने मायनीस ऐड कर दी और उसके बाद जो है ना उन्होंने स्प्रिंकल कर दिया ये औरगाना तो बस ये हमारा वाइट सॉस रेडी हो चुका है अब मूव ऑन करते हैं अपने चिकन चिकन ग्रिल की तरफ को चिकन जो है वो बिल्कुल पानी इसका ड्राई हो चुका है और मसाला इसको बिल्कुल जो है ना चिपक चुका था और उसके बाद जो है ना आपने क्या करना है एक पैन लेके उसमें बटर को जो है ना मेल्ट कर लेना है देन इसको ग्रिल कर लेना है अच्छा भाई यहाँ पर चिकन हो रहा था ग्रिल अच्छा मुझे आप लोग से एक बात पूछनी थी जब चिकन को हमने ग्रिल किया ना उसके ऊपर वो लाइन्स लाइन्स आती हैं बट इस पर नहीं आ रही थी उसकी क्या रीज़न थी क्या हमने चिकन को पोजिशन सही में नहीं रखा था या फिर हम इसको बार बार रहे थे इस वजह से शायद वो लाइंस नहीं बनी थी क्योंकि इसकी जो बनने के बाद लुक थी ना वो इस तरह की आई थी बट मज़े का और टेस्ट इतना आउट क्लास टेस्ट इतना आप एक दफ़ा इसको ट्राई करेंगे ना तो आप मतलब कमेंट करने ज़रूर आएंगे कि इतनी अच्छी रेसिपी जो है ना अने शेयर किया आप लोग के साथ यहाँ पे जी ये सब रेडी हो चुका था ये लिए अपने लिए एक प्लेट रेडी कर रहे थे तो मैंने कहा चलिए आपकी शेफ़ स्टाइल में थोड़ी सी वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ तो यहाँ पे जी ये वाइट सॉस यहाँ पे हमने एक तरफ़ वेजेज रख ली सेकंड जो है मैश पोटैटो रख लिया चिकन रखा तो ग्रिल चिकन उसके ऊपर ये वाइट सॉस ऐड कर दिया और इतना कोई मज़े का टेस्ट इतना कोई आला इतना कोई सुपर मतलब देख के मुँह में पानी आ रहा है तो सोचिए इसका टेस्ट कितना लेवल होगा इतना कोई अमेजिंग मज़े का बना था है फिर हमने जो है ना थोड़ी सी शोकियाँ वो किए हमारी इसको लेके तस्वीरें वगैरह ऐड की हां तो फिर हमने जो है ना इसको ट्राई किया अभी हम इसको ट्राई भी करेंगे और अभी मैं आपके साथ एंड पे इसके इंग्रेडिएंट भी जो है ना शेयर कर दूंगी कि सारे टोटली क्या क्या चीज़ें आपने जो है ना अरेंज करनी है ये बनाने से पहले तो जी यहाँ पे हम खा रहे थे जो कि इतना मज़े का इतना क्लासी टेस्ट था बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल और मैं कहती हूँ रेस्टोरेंट को भी काट गया ये टेस्ट बिल्कुल मतलब वो मैरिनेट में खाया था ना उससे भी अच्छा बना था और ये अली के एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग था अब इंग्रेडिएंट की तरफ आ जाते हैं इसमें आपने लेना है चिली फ्लैक साल्ट ब्लैक पेपर और अदरक लहसुन मिर्ची और कुछ क्रीम ये वो ये औरिगानो ले लेना है उसके बाद चिकन चाहिए होगा आपको अच्छा पहले मैं इसलिए नहीं बता रही थी मैं कि अभी तुम नस् जाओगे इनियाँ चीज़ा देख के <laughs> तो मैं ना एक पैन से ही शेयर था ना उसके बाद जो उसने हमने ऐड कर दिया ये इसमें ये तीनों सॉस मायनेस चाहिए और हमें चाहिए होगा चिली गार्लिक मतलब कैचअप और उसके बाद ये हमें क्रीम चीज़ चाहिए होगा और हमें चाहिए होगा ये पिज़्ज़ा चीज़ और हमें चाहिए होगा बस अब आप देखते रहें ये ऑल ऑलपर्स की क्रीम ये चाहिए होंगे मशरूम्स और उसके साथ हमें चाहिए मशरूम्स जो है ना आप कोई भी ले सकते हैं एड स्किप भी कर सकते हैं अच्छा उसके बाद ये औरिगानो चाहिए होगा उसके बाद ये मस्टर्ड पेस्ट अगेन उसके बाद जो हमें ब्लू बैंड चाहिए होगा बटर भी आप ले सकते हैं चिकन वेजेस वेजेस में हमने ये अड़ाई ले ली हैं ठीक है ये अड़ाई है उसके बाद ये जो है ना ये खीरा है क्यूकबर और उसके साथ हम ऐड करें इसमें कैप्सिकम ये तीनों जो है ना वेजेस ये हम इसमें ऐड करेंगे ठीक है उसके साथ आपको ये अड़ाई भी आ गए उसके बाद जी हम ऐड करेंगे ये कैरट्स एंड कॉलीफ्लावर और ये स्पाइसेस ठीक है ये इंग्रेडिएंट्स हैं हो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होप्स हो कि आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी मैंने बिल्कुल शेफी स्टाइल में आपके साथ शेयर करने की कोशिश की अगर तुम साले वीडियो को लाइक कर देंगे बहुत ही आखिर आई है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले अल्लाह हाफिज़ अपना तरह बहुत सारे ख्याल दुआ कर देख दुआ हम याद